अपना ये सूट निकाल लिया है और बस अभी जो है वो बस ये पहनूंगी और ये वेयर करूंगी। और ये है जेलबरी का आई गेस, तो बस ये जाके फिर अभी नहा धो के रेडी होते हैं। व्यूवर्स, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अपने घरों में ठीक होंगे। तो मैं हूँ मोनी और आप लोग देख रहे हैं मोनीज एंटरटेनमेंट यूट्यूब चैनल। तो वेलकम बैक टू माई चैनल। तो आज जो है वो है आखिरी शब कदर और अभी अभी मैं नहा कर आई हूँ और टॉवल डाला हुआ है मैंने, बालों बाल गीले हो रहे थे, तो बस अभी जो है नया सूट पहन लिया है और अभी इबादत करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के हुजूर। और आप सब के लिए जो है एक दफ़ा फिर जो है वो दुआएं मांगूंगी, तो आप सब ने भी मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर 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 मुझे और मेरी फैमिली को याद रखना है। तो बस अभी टाइम कम है तो जाते हैं और नमाज़ पढ़ते हैं और दुआएं मांगते हैं और बस अल्लाह ताला हम सब की नमाज रोज़ों को शफ़े कबूलियत अता फ़रमाए, आमीन सुमा आमीन। और अपने बारगाह में जो है वो कबूलियत का दर्जा दे हमारी इबादत को, हमारे रोज़ों को। तो दिल बहुत उदास हो रहा है और पता नहीं कल शायद आखिरी रोज़ा हो और देखते हैं क्या होता है। तो बाकी का व्लॉग अगर आज, अब तो बस अब नमाज़ पढ़ूंगी इसके बाद, और क्योंकि बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट साते हैं, बहुत ही अहम साते हैं और बहुत ही शॉर्ट लिफ्ट जिसे कहते हैं ना, ये साते हैं अब बहुत ही कम अरसे के लिए, बहुत ही कम टाइम के लिए ये वक्त रह गया है जो कि रहमतों वाला बरकतों वाला है। और फिर हमारा प्यारा सर बरकतों वाला रमज़ान हमसे रुखसत हो जाएगा, तो इसको जितना ज़्यादा अवेल कर सकते हैं तो वो अवेल करते हैं। मिलूंगी बस अब जा रही हूँ इबादत करने के लिए, तो और बीच में थोड़ा बहुत छूट कर सकी तो आपसे बात करूँगी। अलबत्त जो है मैं अभी बस जा रही हूँ और फिर मिलेंगे इंशाल्लाह कल आपसे अगर कुछ छूट कर पाई तो ठीक है। तो मुझे अपने इबादतों में और जब अपनी दुआएँ करेंगे तो मुझे अपनी दुआओं में बहुत याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है। तो जी नवाफिल वगैरह अदा कर लिए थे, उसके बाद मैं कुरान लेकर बैठ गई थी और दिल बहुत ज़्यादा उदास हो रहा था, तो मैंने यहाँ पर ट्रांसमिशन लगा रही थी और मुझे याद आ रहा था कि मैंने अपने ब्लॉग का आगाज़ भी इसी तरह से किया था। तो अब यहाँ पर मैं आखिरी आखिरी जो है वो ट्रांसमिशन मैंने कहा चलो देख लूँ। रमज़ान के आगाज़ में आप लोगों के साथ मैं इसी तरह शेयर कर रही होती थी ब्लॉग। मैं जो है वो बनाने लगे हैं चॉकलेट केक और यहाँ पर बैटर का मैंने तैयार कर लिया है रेसिपी, कभी फारे वक्त मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अब यहाँ पर ये चॉकलेट वाला अलग से बैटर तैयार कर रहे हैं, इसको किस में मिक्स करेंगे, केक कौन सा केक बनाएंगे, मार्बल केक, ठीक है ना, मार्बल केक बनाएंगे। तो यहाँ पर अभी पैन को कर लेते हैं खुश और फिर इसको मैं बनाने लगी माइक्रोवेव में, फर्स्ट टाइम देखते हैं क्या क्या रिजल्ट निकलता है, ठीक है। चलें जी बस अब इसे हम कर देंगे बेक होने रख देंगे, ठीक है। इसे हम अब क्या करेंगे, बेक होने रख देंगे। तो देखते हैं कि बेक होने के बाद जो है वो इसकी फाइनल लुक क्या निकल कर आती है। लेट्स सी जी। हाँ जी, तो मैंने बाकी सारी अफ्तार की तैयारी कर ली थी और मैंने आज सैंडविचेस भी बनाने थे और साथ ही साथ मैंने कहा चले जी ये बहुत इजी सी, बहुत जल्दी से, बहुत रैपिडली तैयार हो जाता है। तो ये 1 कप की मेरी रेसिपी है केक की और इसमें हर चीज़ 1-1 डलती है, तो मतलब बहुत इजी सी रेसिपी है और बहुत छोटे से कम से अमाउंट में आपका काफ़ी अच्छा केक बन जाता है। लेकिन फिलहाल इतना अच्छा रिजल्ट नहीं आया था क्योंकि ये माइक्रोवेव में मेरा जो है वो एक्सपीरियंस था। जी तो यहाँ पर हमारा केक जो है वो रेडी है, फ्लफ अभी नहीं किया, इसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं फिर काटेंगे तो आप लोगों को दिखाएंगे। हाँ जी, तो नॉर्मली जब मैं आम ओवन में बनाती थी तो ये बहुत अच्छे से फ्लफ कर जाता था और यहाँ पे थोड़ा सा फ्लैटी सा बनना था, बन गया था लेकिन अच्छा बना था और टेस्टी तो बहुत ज़्यादा था जीनी, और मैंने सारा ख़त्म कर दिया। अच्छा जी, यहाँ पर हमारे यहाँ जो है वो मैंने बनाया था खाने में बंद गोभी चिकन और इसके अलावा मेरे दही बड़े रेडी थे, केक थे और सैंडविचेस अभी बनने हैं और साथ ही साथ जो है वो मैंने चना चाट बना ली थी और इसके साथ ही साथ जो है वो, अच्छा ये मैं आपको पहले भी दिखा चुकी हूँ कि हमने बंद गोभी चिकन बनाया था जो कि बहुत टेस्टी और मज़े का बन रहा होता है। अच्छा, मैंने ब्रेड निकाल ली है और ब्रेड निकालने के साथ साथ मैंने चटनी जो है धनिया पुदीने हरी मिर्च और लहसुन की चटनी मैंने पीस ली थी और अब ये मैंने ब्रेड ले ली है, ब्रेड पर जो है हम बस प्रॉपरली जो है वो प्लेस करेंगे, चटनी लगाएंगे और चटनी के साथ साथ लगाया था मैंने मेयोनीज, केचप, उसके ऊपर मैंने आम जो घरेलू सी चटनी होती है वो स्प्रेड की थी, उसको स्प्रेड करने के बाद जो है मैंने इस पर जो है वो आम शामी टिक्की रखी थी और शामी की टिक्की रखने के बाद उसे मैंने प्रेस कर दिया था, प्रेस करने के बाद मैंने अच्छे से स्प्रेड कर दिया था, स्प्रेड करके इसको मैं कवर करूंगी। आप चाहें तो सैलेड भी रख सकते हैं लेकिन कोई कह सब कह रहे थे कि हमने सैलेड नहीं करना, तो फिर मैंने कहा चले ऐसे ही कर लेते हैं। तो और फिर मैंने क्या किया कि दूसरे स्लाइसिस को कवर किया और अब फिर मैंने इसको जो है वो माइक्रोवेव सॉरी कह रही हूँ सैंडविच मेकर में मैंने इसको जो है वो रख दिया था और सैंडविच को ब्रेड जो थी वो मेरी सैंडविच मेकर से बड़ी आ गई थी,
जम्बो वाली ब्रेड थी तो उसके स्लाइसेस फिट इन नहीं हो रहे थे सैंडविच मेकर में। खैर मैंने कुछ ना कुछ जुगाड़ लगा के कर ही लिया था। हाँ जी, तो मैं यहाँ पे बाकी सारी प्रेपरेशन कर लूँगी। और बल दिल बहुत ज़्यादा उदास हो रहा था और दिल चाह रहा था कि एक और रोज़ा भी मिल जाता तो बहुत 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 अच्छा हो जाता। और मेरी तो यही दुआ थी क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह काम तो सारे हो गए थे, लेकिन एक और रोज़े की ख्वाहिश सी दिल में उभर रही थी। तो यहाँ पे जल्दी जल्दी मैं अपना काम ख़त्म कर रही हूँ क्योंकि एट द सेम टाइम मुझे बाकी सारे घर के काम हो गए थे, बाकी सारे अफेयर्स मैंने कर लिए थे, जितने भी चोर्स होते हैं घर के वो सारे कंप्लीट हो गए थे। बस जीनिया की एक मेहंदी रह गई थी, तो मेरी कोशिश थी कि मैं जल्दी जल्दी सारी प्रेपरेशंस करके तो फिर जीनिया की जो है वो मेहंदी डन कर लूँ। तो जी वो भी फिर मैं भी अफ्तार से पहले पहले जो है मैं वो भी करने बैठ जाऊंगी। अच्छा जी, इसको भी मैंने जल्दी जल्दी से इसी तरह से स्प्रेड किया, बना लिया। और जल्दी जल्दी इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि अभी हो गई है चांद रात और सारे काम फारे करने के बाद जो है मैं अब यहाँ पर बैठी हुई जो है वो वॉइस ओवर कर रही हूँ। नींद आ रही है और सुबह उठना भी है जल्दी, और इस वक्त जो है वो 3 बजे का टाइम हो रहा है। तो मैंने कहा जल्दी जल्दी से व्लॉग जो है वो अपलोड कर दूँ और फिर आप लोगों के साथ जो है वो ईद के दिन का डे फर्स्ट का जो है वो व्लॉग शूट करूँगी, तो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पर मेरे सैंडविचेस जो है वो बन के तैयार हो गए थे और इनको भी प्रॉपरली बस मैंने रेडी कर लिया था जल्दी जल्दी से। हाँ जी, तो उसके बाद तो मेरे भाई ले आए थे सौदा और कुछ ईद की जो चीज़ें वीज़ें थी, कुछ बिस्किट केक्स और ये सारी चीज़ें जो है। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये भी आना शुरू हो गई थी, तो मैंने कहा चलें जी ये भी जो जो चीज़ साथ साथ आती जाती है वो संभाल लेते हैं। और निम्को ज़रूर मैं मंगाती हूँ क्योंकि हमारे क्वेटा में सबको निम्को बहुत पसंद है, बड़े शौक से खाया जाता है। तो जी अब यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह हो गया है, आज 29वां रोज़ा है, देखते हैं क्या होता है। सफाई वगैरह हो गई है, पानी आ रहा है और खाना वाना भी चढ़ गया है। थोड़ा सा क्लाउडी मेरे ख्याल से डिसेंड हो रहा है सूरज, तो बस चलते हैं मेहंदी लगाते हैं। टाइम का मेहंदी लगी हुई है, लग गई है मेहंदी भी, लग गई है, सब बैठे हुए हैं इंतज़ार में, देखते हैं कल क्या होगा। अब यहाँ पर ऐलान होने लगा है जो कि काफ़ी इंतज़ार करवाने के बाद हुआ। चलो जी, मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक। जीनिया रेडी हो ना? चलो जी, जीनिया बहुत उदास हो रही थी क्योंकि जीनिया की मेहंदी लग चुकी थी। चलें जी, जीना को मेहंदी भी लगा दी है और बस अभी बिरयानी की भी तैयारी करेंगे। मुबारक हो भाई, ईद मुबारक, कल मिलेंगे आपसे इंशाल्लाह ईद के दिन। ईद मुबारक। शोर रमजान में जीनिया यू हैप्पी? मेहंदी लग गई है। चलो जी, रमजान हुआ है, ईद का, चांद का, तो बस मैंने सारी जो है वो रमजान का सेटअप उठा दिया है। अब यहाँ पर जी थोड़ा बहुत मसाला मैं बना के रखने लगी हूँ, तो उसके लिए चिकन निकाल लिया, बिरयानी की तैयारी करेंगे। और ये तो फिलहाल अभी के लिए चावल बन रहे हैं, चावल छोले फिलहाल में। यहाँ पर जो है वो चने भिगो दिए हैं कल सुबह के लिए, ईद के लिए, और साथ ही साथ यहाँ के लिए जो है वो चने छोले वाले जो है वो आलू चने चावल जो है वो मैं तैयार कर रही थी। मैंने कहा चलें जी अभी रात के खाने के लिए जो है वो ये हो जाएंगे, और साथ ही साथ जो है वो बिरयानी का मसाला तैयार करके रख लेंगे ताकि सुबह आसानी हो। शीर कोरमा मैं सुबह ही ईद के दिन तैयार करूँगी। हाँ जी, तो बस यहाँ पर मैंने तैयार किए कर लिए थे चने वाले चावल ताकि सब जो है वो मज़े से खाना खा सकें। अच्छा जी, उसके बाद मैं आ गई थी किचन में और जीनिया की मेहंदी फाइनल करके किचन में आ गई थी, और यहाँ पर मैंने बिरयानी का मसाला चढ़ा दिया था जो कि ऑलमोस्ट तैयार होने वाला है। मसाला तैयार हो गया था, मैंने इसमें डाल दिया है दही, और दही डालने के बाद मैं इसमें चिकन और आलू जो है वो भी ऐड करके जो है दम पे रख दूँगी। चिकन और आलू गल जाएंगे और फिर मसाला जो है वो यम्मी सा रेडी हो जाएगा। और इसको मैंने कहा चलें और बहुत सारे टास्क हैं जो मैं जो नेक्स्ट डे करने हैं, तो थोड़ी बहुत आसानी हो जाएगी। अभी सर्दियों का सीज़न है तो ये है कि थोड़ा बहुत चलो आपको बोनस है कि आप पहले से, वरना यही हो रहा था कि ईद के दिन ही मसाला तैयार हो रहा होता है और उसी वक्त बिरयानी बन रही होती है। तो मैंने कहा चलें थोड़ी आसानी हो जाएगी, एक दिन पहले से प्रेपरेशन करके रखेंगे। तो बस ये थी हमारी ईद की प्रेपरेशन, और मसाला यहाँ पर हो चुका है रेडी और बस आलू थोड़े से गल रहे हैं। उसके बाद मैंने थोड़े से और टास्क किए, थोड़ा सौदा वौदा समेटा जो कि माशाल्लाह ईद की रौनकों में से एक रौनक होती है कि वो ईद का सौदा, जैसे ईद की तैयारी आखिर तक कंप्लीट नहीं होती ना, तो इस तरह से जब भी उमेर भाई जो है वो सारी चीज़ें ले आए थे और सारे फ्रोजन आइटम्स और जितने भी ईद के आइटम्स थे वो सारे मैं प्रॉपरली प्लेस करी थी बेडरूम की। तो अब जो है वो बेडशीट बिठा रहे हैं और ड्राइंग रूम को, वो ड्राइंग रूम कह रही हूँ, अपने बेडरूम को जो है वो फारिग करते हैं। ठीक है, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। बस उसके बाद मेरी इबादत रहेगी, इबादत करेंगे और यस, और बस हाँ आज की रात भी बहुत इबादत की है, दुआएं की कबूलियत की घड़ी है तो दुआएं मांगनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। बस बेडशीट बिछाते हैं, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। ये तो था रमज़ान का आखिरी व्लॉग, आखिरी रमज़ान का आखिरी व्लॉग। मिलूंगी आपसे कल इंशाल्लाह ईद के दिन। अल्लाह हाफिज़।